बिग बॉस में अब तक की सबसे झगड़ालू प्रतियोगी रही डॉली बिंद्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि डॉली बिंद्रा ने एक जिम कर्मचारी को धमकाने और उनके साथ बदसलूकी करने के आरोप में मुंबई के खार पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही बिंद्रा को नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉली के खिलाफ मिली शिकायत को पुलिस ने दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के मद्देनजर रखते हुए उन पर भारतीय दंड संहित को धारा 341, 447, 501, 504, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉली पर आरोप है कि उन्होंने जिम में घुसकर कर्मचारी के साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली। वहीं डॉली का ये गुस्सा जिम का पैसा मांगने पर भड़क गया। जिम मालिक ने पुलिस को CCTV फुटेज भी दिखाया जिसमें डॉली हंगामा करते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2015 में डॉली ने स्वयं घोषित धर्म गुरु राधे माँ पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कंदीवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था। ये भी बताना चाहेंगे कि एक समय था जब डॉली राधे माँ की भक्त रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। ये मामला का निपटारा अब तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा आपको बता दें डॉली TV शो बिग बॉस में डॉली अपने गुस्से से भरे स्वभाव के चलते काफ़ी चर्चाओं में थी। वह लगातार सभी प्रतियोगी को परेशान कर रख दिया था। अक्सर घर वाले डॉली से भड़कते हुए नजर आते दिखाई देते थे। जी हाँ, उनका सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब एक टास्क के दौरान अपने सह प्रतियोगी श्वेता तिवारी से वह भिड़ गई थी। जी हाँ, इस टास्क में डॉली गंदी गालियाँ देती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, वह भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी से भी छोटी सी बात पर भिड़ गई थी और आज भी YouTube पर उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।